हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 7.2 आरंभ करेंगे। चलिए उसके प्रथम प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपको जो फलन दिया हुआ है जिसका आपको समाकलन करना है वो है 2x/1+x2। अब देखिए, अगर आपको समाकलन करना है तो आपने सबसे पहले समाकलन का चिन्ह बना दिया। जिस फलन का करना है वो है 2x/1+x2, और आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है क्योंकि फलन तो x में ही दिया गया है। तो अब यहाँ से देखिए कि इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब आप देखते हैं कि 2x/1+x2 जो आपको ये फलन दिया गया है वो एक कोई भी स्टैंडर्ड फलन तो है नहीं जिसका आपने फॉर्मूला पढ़ा हो। तो अब यहाँ पर आपको कुछ दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर सकते हैं। आप प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कैसे करना है तो उसको एक बार समझ लेते हैं। कि देखिए, यहां पर अगर आप 1+x2 को t मान लें अपनी तरफ से, तो आपके पास अगर आप स्वयं के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करें तो आपके पास आ जाएगा 2x dx/dt। अब देखिए, 2x dx तो आपको अंश में दिखाई दे रहा है, तो उसकी जगह अब आप यहां पर लिख देंगे dt, और 1+x2 को तो आपने t माना है तो आपने ये लिख दिया। अब देखिए, यहां से ये जो आपके पास फलन आया है dt/t, अर्थात 1/t का आपको अवकलन करना है। तो देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि 1/x का अवकलन करें समाकलन करेंगे आप x के सापेक्ष तो log mod x आएगा। अब यहाँ x के बजाय t है यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ से आपके पास जो मान आएगा वो हो जाएगा log mod t। अब चूंकि आपने समाकलन कर दिया है तो अब आप एक कॉन्स्टेंट अर्थात एक अचर राशि जोड़ देंगे जो कि c हो गई। तो अब आपका ये तो सॉल्व हो गया। लेकिन आप देखिए, प्रश्न में तो आपको x के रूप में दिया हुआ था सब कुछ, चर मतलब x था, लेकिन यहाँ पर आपका तो t आया है, और वो इसलिए आया है t क्योंकि आपने 1+x2 को t मान लिया था। तो अब आप t का मान रख देंगे यहाँ पर, तो आपके पास हो जाएगा log 1+x2 का मापांक प्लस c। तो इसी तरीके से ये अपने पास प्रश्न एक का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपको जो फलन दिया है वो है log x की घात 2/x। तो देखिए, सबसे पहले तो आप नोटेशन में लिख लीजिएगा समाकलन का चिन्ह, फलन लिख लेंगे अर्थात log x का होल स्क्वायर बटे x, और x के सापेक्ष समाकलन करना है इसलिए dx लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पर क्या प्रतिस्थापन करें कि इसको हम सॉल्व कर लें, क्योंकि ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो है नहीं। तो अगर आप log x को t मान लेते हैं, तो अगर आप दोनों तरफ स्वयं के सापेक्ष अवकलन करें तो देखिए 1/x और dx/dt हो जाएगा यहाँ से। तो अभी आप देखिए 1/x dx को आप dt लिख सकते हैं इसका मतलब। तो यहाँ से आप log x को तो t लिख देंगे, तो देखिए t² और ये 1/x dx इसको आप dt लिख सकते हैं, तो ये t² dt आ गया। अब इसका आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये आपके पास हो जाएगा t की घात 2+1/2+1 प्लस, अब चूंकि आपने समाकलन कर दिया है तो अब आप c कोई भी एक अचर जोड़ देंगे, तो यहाँ से आपके पास t³/3+c हो जाएगा। अब चूंकि आप देखिए कि t तो आपने प्रश्न में माना ही नहीं था, मतलब t तो आपने माना है प्रश्न में तो दिया ही नहीं था, तो अब आप t की जगह लिख देंगे जो आपने माना था वो था log x। तो यहाँ से ही आपके पास हो जाएगा log x की घात 3/3+c। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम इसी तरीके से अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। इस प्रश्न संख्या 3 में भी आपको यह दिया हुआ है कि आपको समाकलन करना है, और आपके पास फलन है 1/x+x log x। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इसको लिखेंगे 1/x+x log x dx, और आपने समाकलन का चिन्ह भी लगा दिया। अब यहाँ पर भी आपके पास कोई भी एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले जितने भी पढ़े थे। तो यहाँ पर आप देखिए क्या आप प्रतिस्थापन कर सकते हैं जिससे ये आपका प्रश्न हल हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं फलन को थोड़ा सरल करता हूँ। तो देखिए, x आपके पास कॉमन आ जाएगा हर में, आपके पास 1+log x बच जाएगा, और यहाँ से आपके पास dx आ गया। अब आप यहाँ से देखिए, अगर आप 1+log x को पूरे को t मान लें, तो आपके पास अगर आप अवकलन करेंगे स्वयं के सापेक्ष, तो देखिए 1 का अवकलन तो 0 और log x का अवकलन 1/x dx/dt हो जाएगा। तो अब आप यहां से पहचानिए
एक बटे एक्स डी एक्स को तो आप डी टी लिख सकते हैं। तो देखिए एक बटे एक्स और डी एक्स, इसको आपने डी टी लिख दिया, और देखिए एक बटे, अब एक प्लस लॉग एक्स बचा और आपको देख सकते हैं आप, आपने उसे टी माना है, तो यहाँ से आपने एक बटे टी लिख दिया। तो अब ये आपके पास एक बटे टी डी टी बच गया, तो इसका आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले से जानते हैं लॉग टी का मापांक आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। तो अब देखिए टी को तो आपने एक प्लस लॉग एक्स माना था, तो आपके पास लॉग एक प्लस एक्स का मापांक आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका प्रश्न संख्या तीन का उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि मेथड टू सबसे पहले लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये संशय हो सकता है कि हम एक प्लस लॉग एक्स के बजाय लॉग एक्स को क्यों टी नहीं मान सकते, तो बिल्कुल हम लॉग एक्स को भी टी मान सकते हैं। तो देखिए आपके पास प्रश्न है एक बटे एक्स एक प्लस लॉग एक्स डी एक्स। अब देखिए आप बोल रहे हैं कि यदि आप लॉग एक्स को टी मानेंगे तो बिल्कुल आप लॉग एक्स को भी टी मान सकते हैं। तो अगर आप लॉग एक्स का अवकलन करेंगे स्वयं के सापेक्ष तो एक बटे एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से देखिए कि आपके पास एक बटे एक्स जहाँ जहाँ हैं आप और डी एक्स जो है मिलकर वो डी टी हो जाएगा। तो देखिए एक बटे एक्स और डी एक्स मिलकर तो डी टी हो गया, और अब आप एक बटे एक प्लस लॉग एक्स था तो एक बटे एक प्लस टी आपने लिख दिया। अब यहां से देखिए आपके पास बचा एक बटे एक प्लस टी डी टी, ये आपके पास प्रश्न बचा है, तो इसका आपके पास हो जाएगा लॉग मापांक ऑफ एक प्लस टी प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट। तो अब देखिए यहां तो टी के पदों में आ गया लेकिन आपने तो टी को लॉग एक्स माना था, तो आपके पास हो जाएगा लॉग एक प्लस टी की जगह अब आप लॉग एक्स लिख देंगे, तो यहां से आपके पास ये आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अच्छा यहां पर आपके पास एक प्लस लॉग एक्स आएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरीके से आपने जब हल किया प्रश्न को तो आपके पास दोनों तरीके से सेम आंसर ही मिल रहा है। तो अब हम प्रश्न संख्या चार हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपको फलन दिया हुआ है साइन एक्स गुणा साइन कॉस एक्स। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको नोटेशन में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे समाकलन का चिन्ह साइन एक्स गुणा साइन कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि आपको एक्स के सापेक्ष समाकलन करना था। अब आप यहां से देखिए यदि आप कॉस एक्स को टी मान लें तो आपके पास साइन एक्स बचेगा। तो देखिए कॉस एक्स को आपने टी मान लिया, तो अगर प्रतिस्थापन करेंगे तो कॉस एक्स का अवकलन करना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष, इसी तरीके से टी का अवकलन टी के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो देखिए कॉस एक्स के लिए हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो इस तरीके से आप यहां से साइन एक्स डी एक्स को माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो अब आप यहां पर पहचानिए कि आपके पास साइन एक्स भी है और डी एक्स भी है, तो आप इसको मिलाकर माइनस का डी टी लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने माइनस और डी टी लिख दिया, और यहां पर आपके पास साइन कॉस एक्स की जगह तो आपने टी माना है, तो आपके पास माइनस साइन टी बचा। इसका मतलब ये हुआ अगर आप माइनस चिन्ह को बाहर ले रहे हैं तो आपके पास साइन टी डी टी बचा। अतः इसका अभिप्राय तो ये हुआ कि आपको साइन टी का अवकलन टी के सापेक्ष करना है। तो वो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, साइन टी का अवकलन होता है आपके पास माइनस का कॉस टी, क्योंकि माइनस देखिए पहले से है तो ये लगा दिया, और साइन टी का अवकलन माइनस का कॉस टी होता है। अब चूंकि आपने अवकलन कर दिया है तो अब आप यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट अर्थात एक अचर राशि सी जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस टी प्लस सी बचा। लेकिन चूंकि प्रश्न में तो आपने कॉस एक्स को टी माना है तो अब आपको टी का मान रखना पड़ेगा यहाँ पर, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या पांच पर। देखिए इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए, जबकि जो आपको फलन दिया है वो है साइन ए एक्स प्लस बी गुणा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो यहां से सबसे पहले आप लिखेंगे समाकलन का चिन्ह साइन ए एक्स प्लस बी गुणा कॉस ए एक्स प्लस बी, और आपको एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है तो आपने डी एक्स लिख दिया। अब आप यहां से एक बात देखिए कि यहां पर भी जो कोण है साइन के साथ
और जो कॉस के साथ जो कोण है वो दोनों समान है। तो अगर आप दो का गुणा और दो का भाग कर दें तो देखिए, अगर आप अंश वाले पदों को देखेंगे तो दो गुणा साइन में कुछ भी लिखा हुआ है और कॉस में वही कोण के साथ लिखा हुआ है। तो ये अपने पास आपने देखा था त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला, दो साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास साइन टू थीटा हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले का आप उपयोग कर लेंगे। तो देखिए, जो ये दो हर में है उसको तो आप बाहर ले लीजिएगा। अब ये आपके पास हो जाएगा साइन दो ए एक्स प्लस दो बी। तो देखिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास साइन में फलन है उसका आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो देखिए, यहां से आप देखिए कि अगर आप 2ax प्लस 2b को t मान लें तो देखिए आपके पास हो जाएगा 2a dx बराबर dt। तो यहां से आप dx को लिख सकते हैं 1 बटे 2a dt। तो देखिए, ये आपके पास हो जाएगा 1 बटे 2 तो पहले ही है। अब dx को आप लिख सकते हैं 1 बटे 2 da, 1 बटे 2 dt, 1 बटे 2a into dt। तो देखिए, 1 बटे 2a भी आपने लिख दिया, आपके पास बच जाएगा sin t dt। तो अब देखिए, 1 बटे 4a, अब sin t का आप अवकलन करेंगे तो आपके पास वो माइनस का cos t आ जाएगा, तो प्लस c भी आप लिख देंगे। तो अगर आप अब t का मान लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 बटे 4a माइनस का cos 2ax प्लस 2b प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 5 को हल कर दिया। अब हम इसका एक दूसरा मेथड भी सीख लेते हैं, मेथड 2। मेथड 2 में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ये जानते हैं कि आपके पास कोई फलन एफ एक्स है और आप उसका समाकलन करते हैं तो वो अगर ये जी एक्स आता है, तो अगर आपके पास दूसरा फलन दिया है एफ के एक्स, अर्थात एक्स की जगह के का गुणा कर दिया गया है, तो इसका समाकलन जो होगा आपके पास जी के एक्स। अब चूंकि एक्स के संग के का गुणा किया था तो आप के को डिवाइड कर देते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो ये मेथड 2 में आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो अब देखिए, यहाँ से आपके पास ये फॉर्मूला आया था 1 बटे 2 साइन 2 ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से देखिए, 1 बटे 2 साइन 2 ए एक्स प्लस 2 बी डी एक्स आया था। अब चूंकि आप देखिए, साइन वाले का आप समाकलन तो जानते हैं, माइनस कॉस में करके आता है, तो देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस 2 ए एक्स प्लस 2 बी। अब आप देखिए, यहाँ पर जो आपके साथ एक्स में गुणा है वो तो के का था, तो यहाँ पर देखिए एक्स में आपके साथ 2a का गुणा है, 2b है आप उसको हटा देंगे क्योंकि वो एक्स में गुणा नहीं हो रहा है, गुणा हो रहा है 2a का, तो आप उसी से भाग कर देंगे। तो देखिए, जब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 1 बटे 4a कॉस 2a एक्स प्लस 2b प्लस, अब आप एक कॉन्स्टेंट को जोड़ देंगे, तो इस तरीके से आपका ये भी आंसर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि जो आपका मेथड 2 से आंसर आया है और मेथड 1 से जो आंसर आया है वो दोनों आंसर बिल्कुल ही सेम है। तो आप कोई सा भी मेथड अपने प्रश्न को हल करने में अपना सकते हैं। चलिए, अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपको जो फलन दिया हुआ है वो है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। तो देखिए, यहां से आपको करना है, सबसे पहले एक मेथड से करते हैं, मेथड 1 से। तो देखिए, आपके पास दिया गया है ए एक्स प्लस बी की घात 1 बटे 2 डी एक्स और समाकलन का चिन्ह। अब देखिए, आप ए एक्स प्लस बी की घात 1 बटे 2, ये कोई डायरेक्ट अपने पास स्टैंडर्ड सूत्र तो है नहीं, तो आप ए एक्स प्लस बी को टी मान लीजिएगा। तो अगर आप अवकलन करेंगे स्वयं के सापेक्ष तो यहाँ पर आएगा ए डी एक्स बराबर डी टी। इसका मतलब ये हुआ आप डी एक्स को लिख सकते हैं डी टी बटे ए। तो अब देखिए, यहाँ से आपके पास हो जाएगा ए एक्स प्लस बी को तो आपने टी माना है, अर्थात टी की घात 1 बटे 2, और डी एक्स को आप डी टी बटे ए लिख सकते हैं। तो देखिए, 1 बटे 1 को तो आपने बाहर ले लिया, अब आपके पास बचा t की घात 1 बटे 2 गुणा डी टी, तो 1 बटे ए। अब t की घात 1 बटे 2, ये एक आपके पास मानक सूत्र होता है x की घात n का समाकलन वाला, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा t की घात 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2। तो यहाँ से हल करने पर आपके पास हो जाएगा 2 बटे 3 ए t की घात
तीन बटे दो प्लस कॉन्स्टेंट। तो अब देखिए यहां से आपने चूंकि t तो ए एक्स प्लस बी को माना है, तो अब आप t का मान यहां पर रख देंगे, तो आपके पास हो जाएगा दो बटे तीन ए ए एक्स प्लस बी की घात तीन बटे दो प्लस सी। तो इस तरीके से आपने देखा ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये तो हमने मेथड एक से देख लिया, अब हम मेथड दो से देखते हैं। तो देखिए मेथड दो में कैसे हल करेंगे, आपको दिया हुआ था अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स का समाकलन। अब आप ये देखिए कि आपके पास ए एक्स प्लस बी की घात एक बटे दो लिख सकते हैं आप इसे डी एक्स। अब चूंकि आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा है कि x की घात n का यदि आप समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो आपके पास x की घात n प्लस एक बटे n प्लस एक आ जाएगा। आप इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की घात तीन बटे दो बटे तीन बटे दो। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, अभी हमने पिछले प्रश्न में बताया भी था आपको एक पॉइंट कि यदि एफ एक्स का समाकलन आप जी एक्स बता सकते हैं, तो एफ के एक्स का समाकलन यदि आप निकालेंगे अर्थात x के संग यदि आपने k का गुणा कर दिया है तो आप डिवाइड कर देंगे, यदि k का भाग किया होता तो गुणा हो जाता। तो यहाँ से आप देखिए x के संग आपके a का गुणा है तो आप a से भाग कर देंगे इसमें, तो आपने a से भाग भी कर दिया प्लस अब आप एक कांस्टेंट लिख देंगे। तो देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दो बटे तीन ए ए एक्स प्लस बी की घात तीन बटे दो प्लस कांस्टेंट। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो अपना आंसर है मेथड टू से और मेथड एक से जो अपने पास आंसर आया है वो दोनों आंसर आपके पास बिल्कुल सही हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी अप्रोच अर्थात किसी भी मेथड को सॉल्व करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या सात हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपको फलन दिया है एक्स अंडर रूट में एक्स प्लस दो। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्न लिख लीजिएगा समाकलन का चिन्ह x अंडर रूट में x प्लस दो और dx, क्योंकि आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब यहाँ से यदि आप x प्लस दो को t मान लेते हैं तो आपके पास dx बराबर dt हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ अगर आपको x लिखा है तो वहाँ वहाँ आप x की जगह t माइनस दो भी लिख सकते हैं। तो देखिए अभी आप इस x की जगह t माइनस दो लिख सकते हैं और ये आपके पास अंडर रूट में x प्लस दो अंडर रूट टी हो जाएगा और dx को आपने dt सीख ही लिया है, आप देख भी सकते हैं। तो देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा t अंडर रूट टी माइनस दो अंडर रूट टी dt। तो अब आप इसको t अंडर रूट टी को लिख सकते हैं t की घात तीन बटे दो माइनस दो t की घात एक बटे दो dt। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो चुके हैं, t की घात तीन बटे दो का आप अवकलन करें समाकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा t की घात पांच बटे दो बटे पांच बटे दो माइनस दो। अब t की घात एक बटे दो का यदि आप अवकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा t की घात तीन बटे दो बटे तीन बटे दो प्लस c आप जोड़ देंगे क्योंकि आपने समाकलन कर दिया है तो एक कॉन्स्टेंट तो आपको जोड़ना ही है अंत में। तो देखिए आपके पास हो जाएगा दो बटे पांच। अब आपने t लिया है लेकिन t तो प्रश्न में है नहीं, प्रश्न में तो x के पदों में है, तो आप t का मान अब x प्लस दो रख देंगे तो यहां से आ जाएगा x प्लस दो की घात पांच बटे दो माइनस इसी तरीके से चार बटे तीन हो जाएगा और x प्लस दो की घात तीन बटे दो प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास प्रश्न संख्या सात का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आठ पर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और जो आपके पास फलन है वो है x अंडर रूट में एक प्लस दो एक्स स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको नोटेशन में लिख लीजिएगा अर्थात समाकलन का चिन्ह x अंडर रूट में एक प्लस दो एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये कोई मानक सूत्र तो यहाँ लग नहीं सकता, ये तो आपको तुरंत समझ में आ गया क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा ही नहीं है। तो अब आपको प्रतिस्थापन यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप एक प्लस दो एक्स स्क्वायर जो कि अंडर रूट के अंदर था उसको यदि आप t मान लें तो अगर आप अवकलन करेंगे तो आपके पास चार एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा क्योंकि वन का अवकलन तो जीरो और दो एक्स स्क्वायर का अवकलन चार एक्स डी एक्स आ जाएगा और t का अवकलन डी टी आ जाएगा। तो यहां से अगर आपको एक्स डी एक्स चाहिए होगा तो आपको तुरंत समझ में आ गया एक बटे चार डी टी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए
अब आप एक्स डी एक्स का मान 1/4 dt रख देंगे, तो देखिए एक्स डी एक्स का मान तो आपने 1/4 dt रख दिया और 1/4 को मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि 1/4 कॉन्स्टेंट अर्थात अचर है, तो इसको तो आपने बाहर ही रख दिया। अब आपके पास बच जाएगा अंडर रूट में 1 + 2x² को आप देख सकते हैं, आपने t माना था तो आपने यहाँ पर t लिख दिया। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन चुका है, तो 1/4, अब ये आपके पास t की घात 1/2 बोला जाएगा, तो इसका समाकलन हो जाएगा t की घात 3/2 / 3/2 प्लस c आप जोड़ देंगे क्योंकि c एक अचर राशि तो आपको जोड़नी ही पड़ेगी समाकलन करने के बाद। तो देखिए यहाँ से जब आप हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/12 है, t की वैल्यू अब आप 1 + 2x² रख देंगे तो t की वैल्यू रख दी आपने तो पावर 3/2 हो जाएगी प्लस c हो जाएगी। तो जब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो देखिए 2 से 12 आपके पास 6 बार कट हो जाएगा, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 1/6 1 + 2x² / 3/2 प्लस c। तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 8 भी हल कर दिया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपको फलन दिया हुआ है 4x + 2 × √x² + x + 1। तो देखिए सबसे पहले तो आपने समाकलन का चिन्ह बनाया, 4x + 2 लिख दिया और अंडर रूट में x² + x + 1 लिख दिया और यहाँ dx लिख दिया। अभी तक आपने केवल नोटेशन यूज करी है कि समाकलन करने के लिए आपको समाकलन का चिन्ह चाहिए होता है, फलन लिखेंगे और फिर आप dx लिख देंगे क्योंकि आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब यहाँ से आप देखिए अगर आप x² + x + 1 इसको t मान लें तो यदि आप अवकलन करेंगे स्वयं के सापेक्ष तो आपके पास हो जाएगा 2x + 1 dx = dt। तो अगर 2x + 1 dx = dt आया तो आप यहां से ये देखिए 4x + 2 है, इसमें से 2 कॉमन तो आ ही सकता है, तो आपके पास ये आ जाएगा 2 × 2x + 1 √x² + x + 1 dx। अब आपको इतना समझ में आ गया, तो देखिए 2x + 1 × dx को आप जहां जहां दिखेगा वहां dt लिख देंगे, तो देखिए 2x + 1 दिखा और dx दिखा तो अब आप उसे dt लिख देंगे। देखिए 2 को आप बाहर ले लीजिएगा और आपके पास अंडर रूट में x² + x + 1 बचा है और आप देखिए आपने उसे t माना है तो आपके पास ये अंडर रूट t आ गया। तो देखिए आप इसे अब लिख सकते हैं 2t³ / 1/2 dt। तो आपने एक फॉर्मूला स्टैंडर्ड में जो पढ़ा था समाकलन का, वो था x³ n का, यदि आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x³ n + 1/(n+1) आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि n आपके पास -1 नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर -1 नहीं है, n की वैल्यू अर्थात जो पावर है वो तो आपके पास 1/2 है। तो देखिए यहाँ पर आप यदि ये फॉर्मूला अपनाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 × t³ (1/2 + 1/1/2 + 1) और आप अंत में c लिख देंगे क्योंकि आपने अभी समाकलन कर दिया है तो आपने अंत में अचर राशि कोई भी लिख दी। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा 2 × 2/3। अब यहाँ पर t आया, अब देखिए आपने t को माना था x² + x + 1 तो आप ये मान रख देंगे t की जगह, तो आपके पास हो जाएगा x² + x + 1 / 3/2 + c। तो जब आप इसको ढंग से सरल करेंगे तो देखिए 2 × 2 तो आपके पास 4 हो गया, तो ये 4/3 x² + x + 1 / 3/2 + c हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। यहां पर दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास फलन है 1/(x − √x). तो देखिए सबसे पहले अगर आप स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे तो समाकलन का चिन्ह 1/(x − √x dx), तो आपको इसको हल करना है बेसिकली। तो देखिए अब आप यहाँ पर ये देखिए जो आपके पास हर है उसमें आप अंडर रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए एक्स तो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स होता है, तो आपने अंडर रूट एक्स को कॉमन भी ले लिया तो आपके पास अंडर रूट एक्स -1 बचा। तो आपके पास अब इस प्रश्न को हल करने को रह गया है, तो यहाँ से आप देखिए यदि आप अंडर रूट में x - 1 को टी मान लेते हैं तो जब आप अवकलन करेंगे स्वयं के सापेक्ष तो आपके पास इसका अवकलन आ जाएगा 1/2 √x, -1 का अवकलन 0 आ जाएगा, तो आपने ये लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ 1/√x dx को आप लिख सकते हैं 2 dt।
तो देखिए जहां जहां एक बटे अंडर रूट एक्स गुणा डी एक्स मिलेगा वहां वहां आप दो टी टी लिख सकते हैं। तो देखिए एक बट्टे अंडर रूट एक्स डी एक्स आपको मिला तो आपने इसको दो डी टी लिख दिया, दो को आपने बाहर लिख दिया डी टी एक बटे। अब देखिए अंडर रूट एक्स माइनस वन तो आपने टी माना है तो आपके पास ये आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आपके पास एक मानक सूत्र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दो गुणा लॉग में टी का मापांक प्लस कॉन्स्टेंट कोई भी, तो ये सी यस कॉन्स्टेंट आपने लिख भी दिया। तो अब देखिए यहाँ प्रश्न में टी के टर्म में तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तो एक्स के टर्म में था तो अपना आंसर तो एक्स के टर्म्स में आना चाहिए। तो आप देखिए आपने टी को अंडर रूट एक्स माइनस वन माना है तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा दो गुणा लॉग में अंडर रूट एक्स माइनस एक का मापांक प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 10 हल हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर। इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और यहां पर फलन दिया हुआ है एक्स बटे अंडर रूट में एक्स प्लस चार। तो देखिए सबसे पहले आपको नोटेशन में लिखेंगे तो एक्स बटे अंडर रूट में एक्स प्लस चार डी एक्स आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए यहां से आप यदि एक्स प्लस चार को टी मान लेते हैं तो मैं एक्स प्लस चार को यहां से टी मान लेता हूं तो देखिए डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा क्योंकि आप तो स्वयं के सापेक्ष अवकलन करते थे। तो देखिए एक्स है यहां पर तो, लेकिन यहां तो एक्स प्लस चार है तो एक्स का मान आप टी माइनस चार लिख सकते हैं यहां से। तो ये आपके पास हो जाएगा टी माइनस चार बटे अंडर रूट टी और डी एक्स को आपने डी टी लिख दिया। जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए अंडर रूट टी माइनस चार टी की घात माइनस एक बटे दो आ जाएगा और ये डी टी आ गया। तो अब आप यहां से ये देखिए कि अंडर रूट टी का समाकलन करेंगे तो टी की घात तीन बटे दो बटे तीन बटे दो माइनस चार, ये आ जाएगा टी की घात एक बटे दो बटे एक बटे दो प्लस सी। तो अब चूंकि आपको तो टी में आंसर चाहिए ही नहीं, आपको तो एक्स में आंसर चाहिए, तो अब आप टी का मान एक्स प्लस चार रख देंगे तो यहां से आ जाएगा दो बटे तीन एक्स प्लस चार की घात तीन बटे दो माइनस आठ एक्स प्लस चार की घात एक बटे दो प्लस सी। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 11 का आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको हम एक दूसरे मेथड से भी हल कर सकते हैं, तो उस दूसरे मेथड को देख लेते हैं कि वो मेथड क्या हो सकता है। तो देखिए अगर आप दूसरे मेथड से हल करना चाहेंगे तो आपके पास x बटे अंडर रूट एक्स प्लस चार था इसमें, तो अगर मैं चार जोड़ूं और चार घटा दूं अंश में तो देखिए x प्लस चार बटे अंडर रूट एक्स प्लस चार आप लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं माइनस चार बटे अंडर रूट में एक्स प्लस चार डी एक्स। तो अब आप यहां से देखिए ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस चार से आप एक्स प्लस चार को डिवाइड करेंगे तो आपके पास अंडर रूट में एक्स प्लस चार हो जाएगा माइनस, अब देखिए ये आपके पास हो जाएगा चार एक्स प्लस चार की घात माइनस एक बटे दो, तो ये आपने ये भी लिख दिया और यहां से डी एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से अगर आप एक्स प्लस चार का अंडर रूट का सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस चार की घात तीन बटे दो और तीन बटे दो हर में भी आएगा तो आप लिख सकते हैं तीन और दो आपका अंश में चला जाएगा माइनस चार, यहां से एक्स प्लस चार की घात एक बटे दो और यहां पर हर में भी एक बटे दो आएगा तो यहां एक बचेगा और दो अंश में चला जाएगा प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। तो आप देखिए जो आपके पास इस मेथड टू से जो आंसर आया है और जो आपने पहले जो मेथड वन से आंसर निकाला था वो दोनों आंसर आपके पास बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। तो देखिए इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास फलन दिया हुआ है एक्स की घात तीन माइनस वन की घात एक बटे तीन गुणा एक्स की घात पांच। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं समाकलन का चिन्ह एक्स की घात तीन माइनस एक की घात एक बटे तीन और एक्स की घात पांच डी एक्स, क्योंकि आपको एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो अब आप यहां से ये सोचिए कि अगर आप एक्स की घात तीन माइनस एक को टी मान लेते हैं तो देखिए अगर आप स्वयं के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर आ जाएगा तीन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो इसका मतलब जहां जहां अगर आपको एक्स स्क्वायर डी एक्स दिखता है तो आप डी टी बटे तीन वहां लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आप x की घात 3 माइनस 1 की घात 1 बटे 3, अब आप x की घात 5 को x की घात 3 गुणा x की घात 2 भी लिख सकते हैं।
तो यहां से अब आपको तुरंत आइडिया मिल जाएगा कि देखिए x की घात 3, तो आपके पास हो जाएगा यहां से t प्लस 1, और एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप यहां से देख चुके हैं कि डी टी बटे 3 हो जाएगा। तो यहां से देखिए x की घात 3 माइनस 1 को आपने t की घात 1 बटे 3 लिख दिया, x की घात 3 को आप t प्लस 1 लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप डी टी बटे 3 अर्थात 1 बटे 3 को मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि 1 बटे 3 तो एक अचर राशि है। तो देखिए अब इसको हल करते हैं, तो यहां से आप देखेंगे 1 बटे 3, अब t की घात 1 बटे 3 को आप इस कोष्टक में दोनों अवयवों में गुणा कर सकते हैं, तो आपके पास हो जाएगा t की घात 4 बटे 3 प्लस t की घात 1 बटे 3 और dt, अर्थात अब आपको इस फलन का t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए 1 बटे 3 तो आपके पास बाहर चल रहा है, अब आप t की घात 4 बटे 3 का अवकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा t की घात 4 बटे 3 प्लस 1 बटे 4 बटे 3 प्लस 1 प्लस, अगर आप t की घात 1 बटे 3 का अवकलन करेंगे तो t की घात 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 1 बटे 3 प्लस 1 आ जाएगा, और आप अंत में c लिख देंगे। तो देखिए c तो इसलिए लिखा है क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो आप c को यहां पर भी अंदर भी लिख सकते हैं और चाहें तो बाहर भी लिख सकते हैं, कोई भी मतलब कोई भी गलती आपके से नहीं होगी, दोनों सही हैं। तो देखिए जब आप इसको सरल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 बटे 3, अब जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 बटे 3, तो 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा और 7 नीचे ही रहेगा, तो यहां से t की घात 7 बटे 3 आ जाएगा। अब आप देखिए आपने तो t को x की घात 3 माइनस 1 माना है, तो आप लिख सकते हैं x की घात 3 माइनस 1 की घात 7 बटे 3 प्लस, अब जब ये आप ये हल करेंगे तो आपके पास 4 बटे 3 आ जाएगा, तो 3 ऊपर अंश में पहुंच जाएगा और 4 नीचे हर में रहेगा, तो ये आ जाएगा x की घात 3 माइनस 1 की घात 4 बटे 3 प्लस कांस्टेंट। तो देखिए अभी तक आपने सरल तो कर दिया, अब बस हम एक और पद कर सकते हैं सरल करने में। आप देखिए यदि आप 3 का गुणा कर देंगे इस पूरे टर्म में, तो देखिए दोनों पदों में आप गुणा करेंगे तो आपके पास 3 हर जगह से कट जाएगा, देखिए ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा केवल 1 बटे 7 एक्स की घात 3 माइनस 1 की घात 7 बटे 3 प्लस 1 बटे 4 एक्स की घात 3 माइनस 1 की घात 4 बटे 3 प्लस कोई भी कांस्टेंट जिसको आप c या k कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए, और आपको फलन दिया है x की घात 2 बटे 2 प्लस 3 x की घात 3 का होल क्यूब। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसको एक स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख लेंगे, अर्थात समाकलन का चिन्ह x स्क्वायर बटे 2 प्लस 3 x की घात 3 की घात 3 और dx, क्योंकि आप x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि यदि आप 2 प्लस 3 x की घात 3 को t मान लेते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 प्लस 3 एक्स की घात 3 को t मान लिया, तो जब आप अवकलन करते हैं स्वयं के सापेक्ष दोनों तरफ तो यहाँ 0 आ जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो 9 एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा और दाईं तरफ डी टी आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ अब आपको समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया होगा, आप वहाँ डी टी बटे 9 मान सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स आपके पास डी टी बटे 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स आपको दिखाई दे रहा है अंश में, तो आप इसको डी टी बटे 9 लिख सकते हैं। तो देखिए डी टी और 1 बटे 9 को बाहर लिख देते हैं क्योंकि ये एक अचर राशि है, तो आपके पास 1 बटे अब 2 प्लस 3 एक्स की घात 3 को तो आपने टी माना था, तो ये टी की घात 3 हो गया। अब जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास ये आ चुका है 1 बटे 9 टी की घात माइनस 3 डी टी। तो अभी ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन चुका है, तो ये आंसर आ जाएगा 1 बटे 9 टी की घात माइनस 3 प्लस 1 बटे माइनस 3 प्लस 1 प्लस सी, क्योंकि आपने समाकलन कर दिया है तो अब आप कांस्टेंट को जोड़ देंगे। तो यहां से देखिए आपके पास हो जाएगा माइनस का 1 बटे 18। अब देखिए टी तो आपके पास प्रश्न में दिया ही नहीं है, ये तो आपने अपनी तरफ से माना है, तो अब आप टी का मान रख देंगे जो कि 2 प्लस 3 एक्स की घात 3 था, तो ये 2 प्लस 3 एक्स की घात 3 और यहां से ये माइनस 2 आ जाएगी पावर प्लस सी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास प्रश्न संख्या 13 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम इसी तरीके से अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 14 पर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपके पास फलन है 1/x गुणा log x की घात m, और आपको x 0 से बड़ा दिया है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि x 0 से बड़ा इसलिए दिया गया है क्योंकि log में जब भी ये संख्या जो होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पर x है तो x इसलिए 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये नहीं भी दिया होता तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये x 0 से बड़ा ही होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप नोटेशन में लिख लेंगे समाकलन के। तो समाकलन का चिन्ह 1/x log x की घात m dx। dx आपने इसलिए लिखा है क्योंकि आप x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ से देखिए, अगर आप log x को t मान लेते हैं, तो अगर आप अवकलन करेंगे दोनों तरफ स्वयं के सापेक्ष, तो 1/x dx बराबर दाईं तरफ आपके पास dt आ जाएगा। इसका मतलब जहाँ जहाँ आपको 1/x dx दिखेगा आप वहाँ वहाँ dt रख सकते हैं। तो देखिए, 1/x और dx आपको दिखा तो आपने तुरंत यहाँ पर dt रख दिया, और आप देखिए 1/log x की घात m बचा है आपके पास, तो ये 1/t की घात m बच गया क्योंकि log x को तो आपने t माना था यहाँ से। तो देखिए, ये आपके पास आ जाएगा t की घात -m dt, और जब आप फॉर्मूले में लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा t की घात -m+1/-m+1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो आपने उसकी कॉन्स्टेंट की जगह c लिख दिया। अब बात करते हैं, आपको t तो चाहिए नहीं प्रश्न में, आपको तो इस t को हटाना पड़ेगा। तो t को आपने log x लिया था, तो आपके पास हो जाएगा log x की घात 1-m, अंश में आपने जब ये हल कर दिया तो आप हर में देखिए -m+1 है तो आप उसे 1-m लिख सकते हैं, प्लस c। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 14 भी हल हो चुका है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 15 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपके पास फलन है 9-4x2। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ आपको 9-4x2 dx इसे हल करना है। तो आप यहाँ से अब देखिए कि यदि आप 9-4x2 को t मान लीजिएगा, तो यदि आप स्वयं के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों तरफ, तो ये देखिए 9 के लिए अवकलन तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास माइनस का 8x dx आ जाएगा और दाईं तरफ dt आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपको कहीं x dx दिखता है तो आप उसकी जगह माइनस का dt/8 रख सकते हैं। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको पहचानना होगा कि आपके पास क्या बन रहा है। तो देखिए, जैसे आप देख भी सकते हैं, अभी हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ से देखिए x dx आपके पास बन रहा है अंश में, इसलिए हमने dt/8 रख देंगे माइनस में, और 1/8 को मैंने बाहर ले लिया। आपके पास अभी हो जाएगा 9-4x2 हर में, तो आपने उसे तो t माना है, तो आपने यहाँ t लिख दिया। तो देखिए, आपके पास बचा -1/8 1/t dt। अब आप देखिए, आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अर्थात एक मानक सूत्र देखा था समाकलन के लिए, कि 1/x का यदि आप समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आपके पास log x का मापांक आ जाएगा। देखिए, इसी फॉर्मूले को आप यहाँ पर लगा सकते हैं, बस x की जगह यहाँ पर आपको t दिया हुआ है। तो देखिए, आपके पास हो जाएगा -1/8 log t का मापांक प्लस, अब चूंकि आपने समाकलन कर दिया है तो अब आप एक कॉन्स्टेंट लिख देंगे, कॉन्स्टेंट में आप c के कुछ भी लिख सकते हैं, या आप कॉन्स्टेंट लिख भी सकते हैं लैंग्वेज में। तो आपके पास हो जाएगा -1/8 log। अब t को तो आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि t प्रश्न में तो कहीं है ही नहीं, ये तो आपने अपनी तरफ से माना है। तो देखिए, आपने 9-4x2 को t माना था, तो अब आप t की जगह यही रख देंगे, तो आपके पास हो जाएगा 9-4x2 का मापांक प्लस c। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 15 भी हल हो जाएगी। अब हम प्रश्न संख्या 16 हल करेंगे। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपके पास जो फलन है जिसका समाकलन आपको करना है वो है e^2x+3। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लिख लेंगे समाकलन का चिन्ह e^2x+3 dx। तो देखिए, इस सवाल को भी हम दो मेथड से हल करेंगे। सबसे पहला मेथड हम डायरेक्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर ये e^ax+b का फॉर्मूला है, तो आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था कि यदि fx का यदि आप समाकलन करें x के सापेक्ष, अगर वो आपके पास gx आता है, तो अगर आप अब fkx का समाकलन करेंगे तो आपके पास gkx
बटे के आ जाएगा। तो इसी का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो देखिए e की घात x का आप समाकलन जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एक मानक सूत्र है e की घात x होता है। तो अब आप e की घात 2x प्लस 3 का समाकलन करेंगे, तो e की घात 2x प्लस 3 तो आएगा ही अंश में, लेकिन हर में आप x के साथ देखिए 2 का गुणा हो रहा है, तो हर में आप 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास प्रश्न संख्या 16 हल हो जाएगा। तो ये तो आपके पास रहा मेथड एक, तो आपने फर्स्ट मेथड से हल कर दिया। अब हम सेकेंड मेथड को यूज करते हैं कि उससे हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो चलिए सेकेंड मेथड पर चलते हैं। आपके पास सवाल था e की घात 2x प्लस 3 dx और ये समाकलन का चिन्ह। अब आपके पास 2x प्लस 3 को यदि आप t मान लें, तो देखिए आप इसको t माना आपने, तो 2dx बराबर dt आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको कहीं dx केवल दिखाई दे रहा है तो आप dt बटे 2 रख देंगे। तो देखिए आपके पास हो जाएगा e की घात t और आपने इस dx की जगह यहाँ से देखिए dt बटे 2 आ जाएगा। तो ये dt बटे 2 अर्थात 1 बटे 2 को बाहर लिख दिया हमने। तो देखिए 1 बटे 2, अब e की घात t का यदि समाकलन करेंगे तो e की घात t ही आएगा क्योंकि ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, प्लस c आप लिख देंगे क्योंकि आपने समाकलन कर दिया है तो आपको अंत में एक कांस्टेंट तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो अब आप देखिए 1 बटे 2 e की घात t है और t की जगह अब आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3 प्लस c। तो आप देखिए आपने मेथड 1 से जो आंसर निकाला और मेथड 2 से जो आंसर निकाला वो दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं और दोनों सेम भी आ रहे हैं। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 17 पर बढ़ते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास फलन है x बटे e की घात x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपने समाकलन का चिन्ह बनाया, x बटे e की घात x स्क्वायर हर में लिख दिया और dx कर दिया क्योंकि आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब आप यहां से देखिए यदि आप एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, तो देखिए अगर आप अवकलन करेंगे अभी दोनों पक्षों में स्वयं के सापेक्ष, तो यहां आ जाएगा 2x dx और दाई तरफ आ जाएगा dt। तो देखिए यहां से इसका मतलब ये समझ में आया कि जहां जहां अगर x dx लिखा है तो आप उसे dt बटे 2 लिख सकते हैं। आप देख भी सकते हैं x dx बराबर dt बटे 2 आ जाएगा। तो ये आपको सोचना होगा कि आपको क्या लिखना है। आप देखिए प्रश्न में एक्स डी एक्स में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स डी एक्स का मान ही आपको बताया कि आप डी टी बटे 2 लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगा डी टी बटे 2 और ई की घात एक्स स्क्वायर को अब आप ई की घात टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ई की घात सॉरी 1 बटे 2 आ जाएगा, ई की घात माइनस टी डी टी आ जाएगा। तो इसका अवकलन यदि आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 बटे 2 ई की घात माइनस टी बटे माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। तो अब आप टी को चेंज कर देंगे तो 1 बटे 2 आ जाएगा लेकिन माइनस चिन्ह का क्योंकि माइनस यहाँ पर है, ई की घात माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप सरल करके लिख सकते हैं माइनस का 1 बटे 2 ई की घात एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो आप चाहें ये आंसर लिखें चाहे दूसरा वाला आंसर लिखें, दोनों आंसर बिल्कुल सेम ही हैं, तो आप कोई भी उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए और आपको फलन दिया हुआ है जिसका समाकलन करना है e की घात tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपको दिया हुआ है समाकलन का चिन्ह e की घात tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप यहां से ये देखिए कि आप क्या प्रतिस्थापन करें तो आप इस प्रश्न को जल्दी से हल कर पाएं। तो आप देखिए e की घात tan इनवर्स x आपने इसको t मान लिया, तो देखिए जब आप इसका अवकलन करेंगे स्वयं के सापेक्ष तो e की घात tan इनवर्स x आ जाएगा और अब आप tan इनवर्स x का करेंगे तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, dx बराबर dt आ जाएगा। ये अभी हम मेथड 1 से कर रहे हैं, मेथड 2 भी हम बताएंगे क्या आप और सोच सकते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो देखिए अब यहाँ से आपको ये समझ में आया e की घात tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को आप dt के बराबर रख सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस पूरी वैल्यू को आप dt के बराबर रख सकते हैं। तो देखिए ये dt लिखा हुआ है अर्थात मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा dt, तो इसका आप समाकलन जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये आ जाएगा t प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट, तो आपने कॉन्स्टेंट लिख भी दिया। तो अब देखिए t तो आपने e की घात tan इनवर्स x को माना था,
तो आपके पास आंसर आ जाएगा e की घात tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से आपके पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने मेथड वन तो सीख लिया, अब हम देखते हैं कि मेथड टू में हम क्या कर सकते थे। मेथड टू में आप इसलिए समझिए क्योंकि हो सकता था कि कुछ छात्र tan इनवर्स x को t मानेंगे, जैसे हमने मेथड वन में e की घात tan इनवर्स x को t माना है, मेथड टू में आप tan इनवर्स x को भी t मान सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो प्रश्न लिख लेता हूं, e की घात tan इनवर्स x बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आपके पास ये प्रश्न था। अब आप मेथड टू में tan इनवर्स x को यदि t मानेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर गुणा डी एक्स बराबर डी टी। इसका मतलब ये हुआ, तो देखिए e की घात tan इनवर्स x को आपने t लिख दिया, अब आप देखिए एक प्लस एक्स स्क्वायर हर में और dx अंश में, यहां पर भी देखिए dx अंश में और एक बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर बराबर डी टी हो जाएगा। तो यहां से आपके पास e की घात t गुणा डी टी बन चुका है ये। तो अब आप देखिए कि अब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया जिसका मान आपके पास हो जाएगा e की घात t प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट। तो अब आप देखिए आपने t को tan इनवर्स x माना है यहां पर, तो e की घात tan इनवर्स x प्लस c आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं, चाहे आप मेथड टू से करें चाहे आप मेथड एक से करें, दोनों से आपके पास बिल्कुल एक ही उत्तर आ रहा है। तो अब हम प्रश्न संख्या 19 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए, और आपके पास फलन दिया है जिसका समाकलन आपको करना है e की घात 2x माइनस 1 बटे e की घात 2x प्लस 1। तो देखिए सबसे पहले आपने नोटेशन बनाया एक समाकलन का, e की घात 2x माइनस 1 बटे e की घात 2x प्लस 1, और आप dx लिख देंगे क्योंकि आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो अब आप देखिए यदि आप अंश में से e की घात x कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा e की घात x माइनस 1 बटे e की घात x, और आप फिर देखिए आप हर में से भी e की घात x को कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास बचेगा e की घात x प्लस 1 बटे e की घात x dx। अब चूंकि आप देखिए e की घात x तो आपके पास अंश में भी आ रहा है और हर में भी आ रहा है, तो आपने इनको कैंसिल भी कर दिया, तो आपके पास हो जाएगा e की घात x माइनस, अब आप 1 बटे e की घात x को e की घात माइनस x लिख सकते हैं। इसी तरीके से हर में देखेंगे तो e की घात x प्लस e की घात माइनस x हो जाएगा और dx हो जाएगा। अब आप यहां पर ये देखिए कि अगर आप e की घात x प्लस e की घात माइनस x जो कि हर में दिया था उसको आप t मान लीजिएगा, तो देखिए आप अवकलन करेंगे स्वयं के सापेक्ष तो आपके पास आ जाएगा e की घात x e की घात माइनस x, अब ये इसके वजह से माइनस साइन आ जाएगा यहां पर dx बराबर dt। तो आप इसका यूज करेंगे तो देखिए आपके पास हो जाएगा, अंश में देखिए आपके पास लिखा हुआ e की घात x माइनस e की घात माइनस x गुणा dx, तो बिल्कुल सेम यही लिखा है, तो आप इसकी जगह तो dt लिख देंगे बटे, और आप हर में देखिए आप इसको t लिख सकते हैं, तो आपके पास आया 1 बटे t dt। तो इसका आप मानक सूत्र जानते हैं log t का मापांक प्लस c आ जाएगा, c यहां कोई भी एक कांस्टेंट है। तो देखिए अब चूंकि आपको प्रश्न t में तो दिया नहीं था, आपको प्रश्न में तो x दिया था, तो अब आप t का मान रख देंगे यहां पर, तो आपके पास हो जाएगा log e की घात x प्लस e की घात माइनस x का मापांक प्लस c। तो इस तरीके से आपके पास ये सही उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को हो सकता है आप दूसरे तरीके से भी आंसर करें, जैसे देखिए इसी को मैं चेंज करता हूं, तो log अब e की घात माइनस x को आप लिख सकते हैं 1 बटे e की घात x, तो जब आप लाफापा लेंगे तो e की घात 2x प्लस 1 बटे e की घात x आ जाएगा, इसका मापांक प्लस c आ जाएगा। इसी तरीके से अब मैं एक और तरीका बता देता हूं, देखिए एक आंसर आ गया, आंसर दूसरा तरीका है, सभी सेम ही, बस देखने का तरीका अलग है हमारा, तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे ये गलत आ रहे हैं। लॉग आप लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी अर्थात लॉग के गुणधर्म अपनाएंगे, तो लॉग एम अपॉन एन के रूप में है ये, तो लॉग एम माइनस लॉग एन आ जाएगा, तो देखिए लॉग ई की घात एक्स प्लस सी आ जाएगा, तो ये आपने आंसर तीसरे रूप में लिख दिया। अब देखिए यहां पर आप गौर करेंगे तो हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, और वो देखिए क्या होगा, लॉग इसको तो आप ऐसे रहने दीजिए e की घात 2x प्लस 1 माइनस, अब देखिए आप इस x को बाहर भेज सकते हैं तो आपके पास x यहां आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा log
ई, लॉग ई आप जानते हैं कि एक होता है, तो आपके पास ये भी एक आंसर देने का तरीका हो सकता है। तो आप परीक्षा में किसी भी चार आंसर में से कोई सी भी फॉर्म दे सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 20 को पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, e की घात 2x माइनस e की घात माइनस 2x बटे e की घात 2x प्लस e की घात माइनस 2x। तो देखिए समाकलन का चिन्ह e की घात 2x माइनस e की घात माइनस 2x बटे e की घात 2x प्लस e की घात माइनस 2x dx। अब यहां से आप देखिए आपके पास हर में लिखा हुआ है e की घात 2x प्लस e की घात माइनस 2x, आप इसी को t मान लेते हैं। यदि तो यदि आप समाकलन अवकलन करेंगे अभी तो 2e की घात 2x माइनस 2e की घात माइनस 2x dx बराबर dt आ जाएगा। तो देखिए अंश में जो आपके पास लिखा हुआ है, बस यहां पर अगर आप दो कॉमन ले लें तो वही बात बनेगी। तो देखिए मैं यहां पर इसको हल कर रहा हूं तो आपके पास आ जाएगा dt बटे 2 और आपके पास हर में तो t रह जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बटे 2 log t का मापांक प्लस c। और देखिए अब आपने t तो माना है इसको, तो अब आप t का मान यहां पर रख देंगे तो log e की घात 2x प्लस e की घात माइनस 2x प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। अब इस आंसर को भी हम चार तरीके से या भिन्न तरीकों से आंसर कर सकते हैं, तो अभी मैं यहां पर इसको ऐसे ही रहने देता हूं। आप इस आंसर को पिछले क्वेश्चन की तरह आंसर की तरह बदल सकते हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पर। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए और आपको फलन दिया हुआ है टेन स्क्वायर 2x माइनस 3। तो देखिए सबसे पहले हम मेथड एक से इस सवाल को देख लेते हैं। आपके पास सवाल है समाकलन का चिन्ह टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब ये कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा कोई भी सूत्र नहीं पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि यदि आपके पास sec स्क्वायर x dx हो और इसका समाकलन निकालना हो तो वो tan x के बराबर आता है। तो अब देखिए आप कैसे करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, क्योंकि आपने एक त्रिकोणमिति में सर्वसम का भी पढ़ी है कि sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। तो x तो यहाँ पर कोण है, तो यहाँ पर कोण आप देख सकते हैं 2x माइनस 3 है। तो इसी तरीके से tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को आप sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से ये आपके पास आ गया। अभी आप ये देखिए कि अगर आप समाकलन के चिन्ह को अलग अलग वितरित करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए sec स्क्वायर 2x माइनस 3 ये दिया है आपके पास, और आप पहले यहाँ से फॉर्मूले से देखिए इसका अवकलन तो समाकलन होता है tan x के बराबर, तो इसका समाकलन यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, समाकलन का अभी मैं चिन्ह हटा देता हूँ, tan 2x माइनस 3। अब चूंकि आप देखिए x के साथ 2 का गुणा हो रहा है तो आप उसका भाग कर देंगे, तो आपने भाग कर दिया माइनस। अब आप 1 का समाकलन करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा और आप प्लस c अंत में लिख देंगे। तो देखिए इस तरीके से आपके पास ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब देखिए हम मेथड 2 समझ लेते हैं कि मेथड 2 क्या हो सकता है। तो मेथड 2 पर अब बढ़ते हैं। यहां पर आप देखिए आपके पास ये तक तो सेम आया था sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx, अभी मैंने वितरित कर दिया है बस इस वाले पार्ट को, लेकिन मेथड 2 में हम केवल इतना ही चेंज नहीं कर रहे, आप वितरित नहीं भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए ये तो आप बहुत आसानी से जानते हैं कि ये माइनस एक्स आ जाएगा। अब बात होती है कि इसको कैसे हल किया जाए। तो अगर आप 2x माइनस 3 को t मान लेते हैं तो आपके पास देखिए 2dx बराबर dt आ जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कहीं आपको dx दिखाई दे रहा है तो आप उसे dt बटे 2 लिख सकते हैं। या आपको सोचना होगा कि आपको dx को dt बटे 2 लिखना है या किसको लिखना है। चूंकि आपके पास dx ही दिखाई दे रहा है तो अब आप यहाँ पर dt बटे 2 लिख देंगे। तो देखिए dt और 1 बटे 2 को अब आप बाहर लिख दीजिएगा क्योंकि ये एक अचर राशि है। तो अभी ये वाला टर्म आपके पास बन जाएगा sec स्क्वायर t। तो अब आप देखिए यहाँ पर अब आप स्टैंडर्ड मानक सूत्र लगा सकते हैं। तो 1 बटे 2 ये आपके पास हो जाएगा tan t, ये आपके पास माइनस एक्स चल ही रहा है, प्लस c हो जाएगा।
अब चूंकि यहां तो टी आ चुका है, लेकिन आपको तो प्रश्न का आंसर तो एक्स में देना है, तो देखिए टी का मान आप 2x माइनस 3 रख दीजिएगा, तो 1 बटे 2 टेन 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं कि हमने मेथड 1 से आंसर को सॉल्व किया और मेथड 2 से आंसर को सॉल्व किया, और दोनों परिस्थितियों में हमने समान उत्तर ही पाया है। तो आप किसी भी तरीके से परीक्षा में इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो अब हम प्रश्न संख्या 22 हल करेंगे। इस प्रश्न संख्या 22 में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपको दिया हुआ है sec स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो देखिए समाकलन का चिन्ह sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो देखिए बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा ही सवाल आ चुका है, यहां पर और सिंपल सवाल है। तो देखिए अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपने एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा है कि sec स्क्वायर x का यदि आप समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आपके लिए 10x आएगा। तो यहां से आपके पास होना चाहिए 10 7 माइनस 4x। अब चूंकि आप देखिए x में जो गुणा है वो माइनस 4 का गुणा है, तो आप जो भाग करेंगे वो माइनस 4 से भाग कर देंगे प्लस c, तो यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। बस आप उसको सरल करके माइनस 1 बटे 4 बाहर कर दीजिएगा, 10 7 माइनस 4x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप इसे मेथड 2 से करना चाहते हैं, तो अभी तो ये मेथड 1 था, मेथड 2 से भी हम देख लेते हैं। मेथड 2 में आपको 7 माइनस 4x को t मान लीजिएगा आप, तो आपके पास माइनस 4 dx बराबर dt आ जाएगा। इसका मतलब जब आप dx को लिखेंगे तो आप dx को माइनस 1 बटे 4 dt लिख सकते हैं। तो देखिए आप अभी लिख सकते हैं sec स्क्वायर 7 माइनस 4x को तो आपने t लिख दिया, और ये देखिए dx जो है आप इसे dt और माइनस 1 बटे 4 को आपने बाहर लिख दिया। तो अब देखिए माइनस 1 बटे 4 sec स्क्वायर t का अवकलन आप देखिए यहां से आपके पास 10 t आ जाएगा प्लस c आपने लिख दिया। तो देखिए माइनस 1 बटे 4 10, अब t का मान तो आपको ये लगाना पड़ेगा, तो आपके पास हो जाएगा 7 माइनस 4x प्लस c। तो देख सकते हैं आप, चाहे आप मेथड 1 से कर रहे हैं चाहे मेथड 2 से कर रहे हैं, समान उत्तर हर केस में आपके पास आ जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 पर। देखिए इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और फलन है आपके पास साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा, साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप यहां से देखिए अगर आप साइन इनवर्स x को t मान लीजिएगा और आप दोनों तरफ स्वयं के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और दाईं तरफ आ जाएगा dt। इसका मतलब जहां जहां आपको dx बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगे आप वहां dt तुरंत लिख दीजिएगा, क्योंकि आप दूसरे किसी वेरिएबल में इस प्रश्न को बदल रहे हैं। तो अभी देखिए साइन इनवर्स x को तो आपने t माना है तो आप इसको t लिख देंगे, और देखिए dx बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिखा तो आप इसकी जगह dt लिख देंगे, तो t dt आ गया। और इसको समाकलन करना तो आप बहुत आसानी से जानते हैं, ये एक मानक सूत्र है, तो टी स्क्वायर बटे 2 प्लस कोई भी कांस्टेंट तो आपने लिख दिया। अब देखिए टी को तो आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न तो एक्स में दिया हुआ है, तो टी को अब आप साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, तो आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस कांस्टेंट। तो आप देखिए इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इसी तरीके से अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 पर। तो देखिए इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और यहां पर आपको दिया हुआ है 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 6 cos x प्लस 4 sin x। तो सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, अर्थात मानक रूप में समाकलन का चिन्ह 2 cos x माइनस 3 sin x बटे 6 cos x प्लस 4 sin x dx। dx आपने इसलिए लिखा है क्योंकि आप जो समाकलन कर रहे हैं वो x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो अब देखिए अगर आप हर में जो लिखा है 6 cos x प्लस 4 sin x इसको आप t मान लीजिएगा, तो आप अभी अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में स्वयं के सापेक्ष। तो देखिए यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस का 6 sin x, क्योंकि cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। अब देखिए 4 sin x का अवकलन करेंगे तो 4 cos x आ जाएगा,
डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। अब यहां से आप देखिए दो को कॉमन भी ले सकते हैं, तो दो को जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा दो, दो कॉस एक्स माइनस तीन साइन एक्स। देखिए मैंने इस वाले टर्म को पहले लिख दिया है और इसको यहां पर लिख दिया है डी एक्स बराबर डी टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर आपको दो कॉस एक्स माइनस तीन साइन एक्स की जरूरत पड़ेगी तो आप उसे लिख सकते हैं डी टी बटे दो। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो अब आप यहां पर ये देखिए प्रश्न में जो अंश में दिया था, अंश में आपको दिया है दो कॉस एक्स माइनस तीन साइन एक्स, तो आपको देखो ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल, और डी एक्स भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी जगह आप डी टी बटे दो रख देंगे। तो देखिए डी टी बटे जो दो है मैं उसको बाहर ले लेता हूं, एक बटे दो मैंने बाहर लिख दिया, क्योंकि एक बटे दो एक अचर राशि है और इसका कोई भी यूज नहीं होगा समाकलन करने में, ये तो जैसी की तैसी ही बनी रहेगी। तो अब देखिए यहां पर जो हर है वो तो आपने टी माना था, तो आप यहां पर टी लिख देंगे। तो आपके पास बस एक तरीके से ये सवाल बन चुका है कि आपको एक बटे दो बाहर है और आपको एक बटे टी का समाकलन करना है टी के सापेक्ष। तो देखिए एक बटे दो, आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था कि यदि आप एक बटे एक्स का समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो आपके पास लॉग में एक्स का मापांक आ जाएगा। तो आप इसी फॉर्मूले का यहाँ पर उपयोग करें। तो देखिए आपके पास आ जाएगा लॉग में टी का मापांक प्लस, अब चूंकि आपने समाकलन कर दिया तो आपको कांस्टेंट तो लिखना ही पड़ेगा, या आप कांस्टेंट के बजाय सी भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको अचर राशि ही लिखनी पड़ेगी वो। तो अब ये देखिए एक बटे दो, अब प्रश्न तो आपके पास टी में तो था नहीं, प्रश्न तो आपके पास एक्स में दिया गया था, तो अब आप यहाँ पर टी का मान रख देंगे। तो देखिए आपने टी का मान माना है छः कॉस एक्स प्लस चार साइन एक्स, तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए आपके पास आ जाएगा एक बटे दो लॉग में छः कॉस एक्स प्लस चार साइन एक्स, मापांक का चिन्ह आपने बंद कर दिया, प्लस कांस्टेंट। तो देखिए ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इस आंसर को एक दूसरे तरीके से और भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर वैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें, जैसे लॉग। अब इस एक बटा दो जो ये लिखा हुआ है बाहर, आप उसको पावर भी बना सकते हैं इसकी। तो देखिए आपके पास हो जाएगा मापांक में अंडर रूट में छः कॉस एक्स प्लस चार साइन एक्स। तो आप देख सकते हैं कि आप इस दूसरे वाले तरीके से भी अपना आंसर दे सकते हैं, दोनों आंसर आपके पास सही होंगे। अब हम प्रश्न संख्या 25 हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपके पास फलन दिया हुआ है एक बटे कॉस स्क्वायर एक्स गुणा एक माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख लेते हैं, एक बटे कॉस स्क्वायर एक्स एक माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। डी एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि आपको एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। अब देखिए आप ये समझते हैं कि एक बटे कॉस स्क्वायर एक्स जो लिखा हुआ है इसको तो आप सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, अर्थात आपके पास हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे एक माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहां से आप देखिए यदि आप टेन एक्स को टी मान लीजिएगा, तो अगर आप स्वयं के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी आएगा। आप देखिए यहां पर 1 माइनस टेन एक्स को भी टी मान सकते हैं और टेन एक्स को भी टी मान सकते हैं। तो अगर आप मानना चाहें तो 1 माइनस टेन एक्स को भी टी मान सकते हैं। तो देखिए माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। अब यहां से आप देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपको दिखाई दे रहा है, तो इसकी वैल्यू आप माइनस डी टी रख देंगे। तो देखिए माइनस बाहर कर दिया, डी टी बटे टी स्क्वायर हो जाएगा यहां से। अब देखिए यह आ जाएगा माइनस टी की घात माइनस दो डी टी। अब ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा, टी की घात माइनस दो का समाकलन आपके पास हो जाएगा माइनस, तो ये चल रहा है तो टी की घात माइनस एक बटे माइनस एक प्लस सी। तो जब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक बटे टी, क्योंकि देखिए माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो गए, तो एक बटे टी प्लस सी आ जाएगा। परंतु आपको जो प्रश्न में दिया हुआ है वो तो एक्स के पदों में दिया गया है, तो आपको टी का मान यहाँ से लगाना पड़ेगा, जो आपने टी का मान माना था एक माइनस टेन एक्स। तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक बटे एक माइनस टेन एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 पर। चलिए इसको पढ़ते हैं।
यहां पर आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और आपके पास जो फलन है जिसका समाकलन करना है वो दिया हुआ है कॉस अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स। तो देखिए सबसे पहले तो हम एक स्टैंडर्ड जो नोटेशन है लिखने का तरीका है उसमें लिख लेते हैं। तो समाकलन का चिन्ह कॉस अंडर रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स और डी एक्स। अब देखिए अगर आप अंडर रूट एक्स को टी मान लीजिएगा तो अब आपको अवकलन करना पड़ेगा स्वयं के सापेक्ष, तो एक बटे दो अंडर रूट एक्स डी एक्स और दाईं तरफ डी टी आ जाएगा। इसका मतलब अगर एक बटे अंडर रूट एक्स डी एक्स को कहीं आपको लिखना होगा तो आप टू डी टी लिख सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अभी देखिए एक बटे अंडर रूट एक्स डी एक्स ये जो मान है इसको तो आप टू डी टी लिख सकते थे, तो यहां से आपके पास हो जाएगा कॉस, अब देखिए रूट एक्स को तो आप टी लिख सकते हैं, तो कॉस टी और डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स को आपने डी टी लिख दिया। और अब आपके पास देखिए बहुत सरल मानक फॉर्मूला बन चुका है, मानक सूत्र है ये, तो आपने पढ़ा है कि अगर आप कॉस एक्स का समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो आपके पास साइन एक्स आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास साइन टी आ जाएगा और आप कोई भी कॉन्स्टेंट अर्थात जैसे मैंने यहाँ पर सी लिख दिया है। तो देखिए अब चूंकि आपको तो आंसर जो है वो तो एक्स के पदों में आना चाहिए क्योंकि प्रश्न में तो एक्स है, वो तो आपने माना है एक टी यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे साइन, अब टी का मान देखिए आप यहाँ से रख सकते हैं, तो ये साइन अंडर रूट एक्स हो जाएगा प्लस सी। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 26 भी हल हो गई है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहां पर बस आपको इतना ध्यान रखना है यहां पर हमने 2dt माना था तो 2 को हम बाहर कर देते हैं, तो ये 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी आएगा। प्रश्न संख्या 27 में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और यहां पर आप देखिए आपको फलन दिया हुआ है अंडर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x। तो देखिए सबसे पहले तो एक स्टैंडर्ड जो तरीका है उसमें लिख लेते हैं समाकलन का चिन्ह अंडर रूट में साइन 2x गुणा कॉस 2x। अब देखिए यहाँ से यदि आप देखिए कॉस 2x को टी मानेंगे तो ये तो अंडर रूट में है तो ये कुछ भी लाभदायक नहीं रहेगा आपके लिए, तो आप क्या करिए यहाँ पर साइन 2x को टी मान लीजिएगा। तो देखिए अगर आप अवकलन करेंगे स्वयं के सापेक्ष तो आपके पास आ जाएगा 2 गुणा कॉस 2x dx बराबर dt। तो देखिए अगर कहीं cos 2x dx की जरूरत पड़ेगी तो आप उसे लिख सकते हैं 1 बटे 2 गुणा dt। तो देखिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, अब cos 2x dx तो आपको यहां दिखाई दे गया अर्थात इसका मान तो सबसे पहले आप 1 बटे 2 dt लिख दीजिएगा। 1 बटे 2 हमने बाहर इसलिए रखा है क्योंकि ये एक अचर राशि है, इसको हम बाहर ही रखेंगे, इसका कोई योगदान नहीं रहेगा समाकलन करने में, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो देखिए अंडर रूट में अब केवल साइन 2x बचा है, और आप देखिए साइन 2x को तो आपने t माना था तो ये अंडर रूट t बचा आपके पास, आप इसे लिख सकते हैं 1 बटे 2 t की घात 1 बटे 2 dt। अब यहां से देखिए 1 बटे 2 तो ये चल रहा है, अब t की घात 1 बटे 2 का यदि आप समाकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा t की घात 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2 प्लस c। तो देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा यहां पर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा t की घात 3 बटे 2 बटे 3 प्लस सी। अब चूंकि आप देखिए प्रश्न में तो सब कुछ x के टर्म में दिया गया है अर्थात आपको t का मान निकालना पड़ेगा यहाँ से, जो कि आपके पास साइन 2x है, आपने साइन 2x को ही t माना था, इसलिए यहाँ पर आपके पास हो जाएगा साइन 2x की घात 3 बटे 2 बटे 3 प्लस सी। तो इस तरीके से आपके पास प्रश्न संख्या 27 का फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 28 हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए, और जिसका समाकलन करना है वो फलन आपको दिया हुआ है कॉस एक्स बटे अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसे मानक रूप में लिख लेंगे समाकलन का चिन्ह कॉस एक्स बटे अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स। डी एक्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। अब यहां से आप देखिए अगर आप 1 प्लस साइन एक्स को टी मान लीजिएंगे तो यहां से अगर आप अवकलन करेंगे स्वयं के सापेक्ष तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो अब देखिए कॉस एक्स डी एक्स तो आपको अंश में दिखाई दे रहा है, तो आप इसकी जगह तो तुरंत डी टी लिख सकते हैं बटे, अब देखिए अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स को आपने टी मान लिया है तो ये अंडर रूट में टी बच जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं टी की घात माइनस 1 बटे 2 डी टी
इसका समाकलन। तो अभी जब आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले से इसे हल करेंगे, जो कि आपने पढ़ा है, x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन, x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 आता है। ध्यान रखें n आपके पास माइनस 1 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा t की घात माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे माइनस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस कोई भी कॉन्स्टेंट। तो देखिए जब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा t की घात 1 बटे 2 बटे 1 बटे 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये तो आपके पास t के पदों में आया, तो आपको x के पदों में लिखना है, अर्थात t की वैल्यू अब आप 1 प्लस साइन x लगा देंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 1 प्लस साइन x की घात 1 बटे 2 प्लस c। तो ये आपके पास प्रश्न संख्या 28 का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 29 पर बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास फलन है cot x गुणा log sin x। तो देखिए सबसे पहले तो आपने मानक रूप में लिखा, तो cot x गुणा log में आपने sin x लिख दिया dx। अब यहां से आप देखिए, अगर आप log sin x को t मान लेंगे तो अभी आप अवकलन करेंगे x के सापेक्ष इधर बाएं पक्ष में और t के सापेक्ष दाएं पक्ष में। तो आपके पास देखिए 1 बटे साइन एक्स आ जाएगा और साइन एक्स का आपको दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, अर्थात कॉस एक्स डी एक्स, और दाएं पक्ष में आपके पास हो जाएगा dt। तो अभी आप यहां से देखिए, आपको एक कॉस एक्स बटे साइन एक्स तो आप जानते हैं cot x होता है, तो ये cot x dx बराबर dt आ गया। इसको आप ध्यान रखेंगे, अर्थात cot x dx जहां भी आपको दिखेगा आप dt रख देंगे उसका मान। तो देखिए cot x और dx का गुणा आपको यहां पर दिखा, तो आप सीधे इसका मान dt रख देंगे, तो dt आपने रख दिया। और अब आपके पास log sin x बचा, तो log sin x को तो आपने t माना था, तो आप यहां पर t रख देंगे। तो अब आपके पास बचा है कि आपको t का समाकलन निकालना है, तो वो आपके पास हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2 प्लस कोई भी कांस्टेंट, जैसे यहां पर c लिख दिया। अब देखिए t के पक्ष में आ रहा है, आपको तो x के पदों में लाना है, तो t का मान आप log sin x रख देंगे, तो आपके पास हो जाएगा log sin x का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस c। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 29 भी आपके पास हल हो जाएगी। चलिए अब प्रश्न संख्या 30 पर बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है कि इसका समाकलन करना है और फलन आपके पास जिसका समाकलन करना है वो है साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखिए सबसे पहले तो आपने साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स लिख दिया। अब यहां से आपको ये सोचना है कि आप कौन सा प्रतिस्थापन करें कि आपके पास ये प्रश्न थोड़ा आसानी से हल हो जाए। तो देखिए अगर आप साइन एक्स को टी मानेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स आएगा आपके पास, लेकिन ये तो हर में है, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, अर्थात आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर यदि आप 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब यहां पर आप ध्यान रखें, देखिए साइन एक्स डी एक्स यहां से क्या हो जाएगा माइनस डी टी के बराबर। तो देखिए यहां से आ जाएगा माइनस डी टी बटे टी। तो देखिए माइनस 1 बटे डी टी का आपके पास आंसर हो जाएगा लॉग टी का मापांक प्लस सी, सी यहां पर कोई भी कांस्टेंट है। तो देखिए माइनस लॉग, अब आपको टी के पदों में तो नहीं चाहिए था, तो टी की जगह अब आप 1 प्लस कॉस एक्स रख देंगे, तो आप लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स का मापांक प्लस सी। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 23 भी हल हो जाएगी। अब यहां पर एक संशय ये हो सकता है कि आप बोलें कि सर cos x को यदि हम t माने तब क्या इस सवाल को कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, चलिए उसको देख भी लेते हैं। तो अब हम मेथड 2 से करते हैं। आपके पास प्रश्न था sin x बटे 1 प्लस cos x dx, और आप बोल रहे हैं कि यदि आप cos x को t माने, तो चलिए cos x को हमने यहां पर t मान लिया। अब देखिए अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स, और दाईं तरफ अवकलन करेंगे स्वयं के सापेक्ष तो डी टी आ जाएगा। इसका मतलब जहां जहां साइन एक्स डी एक्स लिखा हो आप वहां लिख सकते हैं माइनस डी टी, क्योंकि माइनस चिन्ह तो इधर चला जाएगा। तो देखिए आप यहां पर साइन एक्स डी एक्स आपको दिखाई देगा गुणा में, तो आपने इसकी वैल्यू माइनस डी टी रख दी बटे 1 प्लस टी आपने रख दिया। अब चाहें तो
आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस लॉग एक प्लस टी का मापांक हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो देखिए अब आप टी का मान लगा देंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस लॉग एक प्लस कॉस एक्स का मापांक प्लस सी। तो आपने देखा कि यहां से भी आपने बिल्कुल सेम आंसर ही पाया जो आपने मेथड वन से पाया था। तो अब हम प्रश्न संख्या 31 हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास फलन दिया हुआ है साइन एक्स बटे एक प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए जो मानक रूप है लिखने का आपने वो लिखेंगे, तो ये देखिए समाकलन का चिन्ह हो गया साइन एक्स बटे एक प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और डीएक्स। तो देखिए बेसिकली आपको इसको हल करना है। तो यहां से आप देखिए कि अगर आप एक प्लस कॉस एक्स को टी मान लें तो आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो यहां से अगर साइन एक्स डी एक्स चाहिए होगा तो आप माइनस डी टी रख सकते हैं क्योंकि माइनस से इधर पहुंच जाएगा। तो देखिए यहां पर आपके पास हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स तो आपको दिखाई दिया तुरंत, तो आपने माइनस डी टी रख दिया। तो देखिए माइनस बाहर रख दिया है डी टी अंदर कर दिया बटे, अब ये टी स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए माइनस टी की घात माइनस दो डी टी ये हो जाएगा। और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है यदि x की घात n का आप x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो आपके पास x की घात n प्लस एक बटे n प्लस एक आ जाएगा जहां n आपके पास माइनस एक नहीं है। तो देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस, तो ये चल रहा है t की घात माइनस दो प्लस एक बटे माइनस दो प्लस एक प्लस सी। तो अभी आप देखिए ये आपके पास हो जाएगा t की घात माइनस एक हो जाएगा ये तो बनकर, तो ये वन अपॉन टी लिख देते हैं तो माइनस एक बटे टी। अब ये देखिए ये भी तो अपने पास माइनस एक बचेगा तो माइनस एक बचा प्लस सी। अब ये माइनस और ये माइनस को कैंसिल कर दिया यहाँ से तो आपके पास एक बटे टी बचा है और आप अब टी का मान एक प्लस कॉस एक्स रख देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा एक बटे एक प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 पर। तो देखिए इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि आपको समाकलन करना है एक बटे एक प्लस कॉट एक्स का। तो देखिए सबसे पहले तो आपने समाकलन का चिन्ह बनाया एक बटे एक प्लस, अब कॉट एक्स को यहां पर आप कॉस एक्स बटे साइन एक्स लिख सकते हैं और यहां से आपने डीएक्स लिख दिया क्योंकि आप एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। अब देखिए यदि आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि आपने जो ये हर था इसमें लापता ले लिया तो साइन एक्स आया, तो साइन एक्स फिर अंश में पहुंच गया तो ये आपके पास आ गया। अब चूंकि आप देखिए यहां तो साइन एक्स है ऊपर अंश में और हर में आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब यहां से आप समझिए ऐसा क्यों लिखा गया है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि देखिए यहां पर आपने कॉस एक्स तो था ही नहीं तो आपने कॉस एक्स को जोड़ा और घटा दिया, क्योंकि अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए अगर आप अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये और ये तो कट जाएगा और इसका अवकलन देखिए ये बनेगा। तो बेसिकली ये अगर आपके पास जो अंश में लिखा हुआ है तो आप देखिए आपके पास अंश में तो साइन एक्स और साइन एक्स दो साइन एक्स लिखा है, लेकिन यहां पर आपके पास तो एक साइन एक्स था तो आप एक बटे दो यहां पर कर देंगे। तो अभी देखिए यहां से आपके पास हो जाएगा एक बटे दो, आप इसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डीएक्स आ जाएगा यहां से। अब देखिए आप कि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंश में भी है और हर में भी है तो ये कटकर बेसिकली एक आ जाएगा, और आप यहां से पाएंगे कि अगर आप यहां पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लें जो कि हर में दिया है तो आपके पास हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो देखिए यहां पर बस उल्टा है, यहां पर तो माइनस साइन ले लेंगे हम, तो यहां से एक बटे दो आपके पास बचेगा और देखिए अगर आप एक का समाकलन करेंगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा और एक बटे दो। अब आपके पास देखिए आ जाएगा
माइनस का डी टी बटे टी। तो यहां से देखिए एक बटे दो एक्स प्लस एक बटे दो ये आ जाएगा, इसे हम माइनस कर देते हैं क्योंकि ये माइनस चिन्ह यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर हमने माइनस कर दिया और ये लॉग टी का मापांक आ जाएगा प्लस आपने कोई भी कॉन्स्टेंट सी जोड़ दिया यहां पर। तो अभी आप देखिए आपको टी के पदों में तो नहीं चाहिए, तो एक बटे दो एक्स माइनस एक बटे दो लॉग। अब आप टी का मान रख देंगे जो कि आपने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माना था, तो यहां से हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मापांक प्लस सी। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 32 हल हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 33 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 को हम एक बार पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपको जो फलन दिया है वो है 1/1 - 10x। तो देखिए सबसे पहले तो आपने फलन लिखा 1/1 - 10x dx। अब देखिए अब आप 10x को sin x बटे cos x लिख सकते हैं, तो 1/1 - sin x / cos x हो जाएगा आपके पास और आपने dx कर दिया। अब जो हर में आपके पास टर्म आ रहा है उसका लासापा लेंगे तो cos x आएगा, तो आपके पास हल करने पर ये हो जाएगा cos x अंश में पहुंच जाएगा और cos x माइनस sin x आपके पास बन जाएगा और यहां आपके पास dx हो गया। अब देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह कि यहां पर आप इसे लिख सकते हैं cos x, आप एक बार sin x को जोड़ दीजिएगा और एक बार cos x में sin x को घटा दीजिएगा और अपॉन में आपके पास cos x माइनस sin x चल ही रहा है। तो अब आप यहां से ये देखिए कि भले ही आपने sin x को जोड़ा और घटाया है वो तो ठीक है क्योंकि sin x का बेसिकली आपने कैंसिल कर दिया उसके प्रभाव को, लेकिन आपके पास cos x तो एक आपने दो बार लिख दिया एक तरीके से, लेकिन यहां पर cos x तो एक ही बार है तो आपको 1/2 से गुणा करना पड़ेगा या आप बोल सकते हैं 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपने वो भी कर दिया। अब आप देखिए अगर आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1/2 cos x प्लस sin x बटे cos x माइनस sin x dx। अभी यहां पर हमने समाकलन के चिन्ह को अलग अलग वितरित कर दिया है, तो 1/2 cos x माइनस sin x बटे cos x माइनस sin x बच जाएगा और ये dx। अब यहां से आप देखिए कि ये जो अंश में है और हर में है सब कुछ सेम है, तो ये तो कट गया एक बचा। अब यहां पर आप देखिए इसमें यदि आप cos x माइनस sin x को t मान लें तो देखिए आपके पास बचेगा माइनस sin x माइनस cos x dx बराबर dt। अब यहां से यदि आप माइनस को भी कॉमन ले लें तो sin x प्लस cos x dx आपके पास माइनस का dt बन जाएगा। तो देखिए यहां से अब हम देखते हैं 1/2 तो चल ही रहा है, cos x प्लस sin x आपको ऊपर दिखाई दिया अंश में और dx भी आपको दिखाई दिया, तो आप इसकी जगह माइनस dt रख देंगे, तो माइनस तो हमने यहां लिख दिया dt बटे cos x माइनस sin x को आप देख सकते हैं हमने t माना है तो यहां t लिख दिया प्लस 1/2 एक dx। तो देखिए माइनस 1/2 यहां पर तो आपके पास log t का मापांक आ जाएगा क्योंकि ये तो एक मानक सूत्र है समाकलन का, प्लस 1/2 एक का यदि आप समाकलन करते हैं तो आपने एक सूत्र पढ़ा है ये तो आपके पास x के बराबर आ जाएगा और आप बाद में एक कांस्टेंट c लिख देंगे। तो अब देखिए माइनस 1/2, अब चूंकि आपको t तो हटाना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न तो x के पदों में है, तो अभी आप t का मान रख देंगे cos x माइनस sin x, तो मापांक cos x माइनस sin x प्लस x 2 प्लस c। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 33 हल हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए और आपको जो फलन जिसका समाकलन ज्ञात करना है वो है √10x / sin x / cos x। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक मानक रूप में लिख देंगे इसको, तो समाकलन का चिन्ह √10x / sin x / cos x और आपने dx लिख दिया क्योंकि आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब आप यहां से देखिए यदि आप इसको √10x को ऐसे ही रहने दें और आप cos x का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए cos x यहां पर भी आ जाएगा यहां sin x, और अगर आप नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे हर में तो आपके पास cos² x बन जाएगा।
और dx आपके पास चल ही रहा है। तो अभी आप यहां से देखिए कि अंडर रूट टेन एक्स तो चल ही रहा है। अब देखिए cos x बटे sin x तो आपके पास cot x हो जाएगा अंश में, लेकिन जब आप उसे हर में लेना चाहेंगे तो वो तो आपके पास tan x बन जाएगा, और आप cos स्क्वायर x चूंकि यहां पर हर में है और जब आप अंश में ले जाएंगे तो ये sec स्क्वायर x आपके पास बन जाएगा। तो देखिए आप इसे लिख सकते हैं एक बटे अंडर रूट का tan x और अंश में आपके पास हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। यहां पर हमने अंडर रूट tan x से tan x में डिवाइड किया तो अंडर रूट tan x बार बचा है ये। अब देखिए अब जब आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई तो आपको यहां से तुरंत समझ में आ जाएगा कि यदि आप tan x को t मान लें तो आपके पास देखिए sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा। तो देखिए sec स्क्वायर x dx तो आपको अंश में दिखाई दे गया, तो आप सीधे लिख देंगे यहां पर dt बटे अंडर रूट में t। तो देखिए आपके पास हो जाएगा t की घात माइनस एक बटे दो का समाकलन t के सापेक्ष, तो वो आपके पास हो जाएगा दो t की घात एक बटे दो प्लस c। अब आपको t को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास जो प्रश्न है वो तो आपके पास x में है, तो यहां से आपके पास हो जाएगा दो अंडर रूट का tan x प्लस c। तो आपने देखा इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 34 हल हो जाएगा। इस सवाल को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, तो चलिए एक बार हम दूसरा मेथड भी जल्दी से सीख लेते हैं। आपको सवाल दिया हुआ था 34वें सवाल का हम मेथड 2 कर रहे हैं। सवाल अपने पास था अंडर रूट का tan x बटे sin x गुणा cos x dx। अब यहां से आप देखिए अगर आपने cos x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास मिला था रूट tan x cos x बटे sin x और ये आपके पास cos स्क्वायर x dx बचा। फिर आपने देखा कि यदि आप cos x बटे sin x करेंगे तो ये अंश में cot x बन जाएगा आपके पास, लेकिन यदि आप हर में लेना चाहते हैं तो ये तो हर में tan x आएगा, तो अंडर रूट tan x बटे tan x और cos स्क्वायर x को आपने ऊपर अंश में ले जाने के लिए sec स्क्वायर x लिख दिया और ये आपके पास dx लिख दिया आपने। अब देखिए ये आपके पास हो गया एक बटे अंडर रूट का tan x sec स्क्वायर x dx। अभी तक तो आपका मेथड 1 और मेथड 2 बिल्कुल सेम है। अब यहां पर आप देखिए मेथड 2 में हम क्या चेंज कर रहे हैं। अभी तक आपने जो मेथड 1 में देखा था, मेथड 1 में हमने tan x को t माना था, लेकिन मेथड 2 में हम रूट tan x को t मानते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक बटे दो अंडर रूट में tan x, और आप अब tan x का अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x dx आ जाएगा और दाएं पक्ष में dt आ जाएगा। तो अब यहां से आप देखिए आप sec स्क्वायर x dx बटे अंडर रूट में tan x को आप 2 गुणा dt लिख सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए sec स्क्वायर x बटे अंडर रूट tan x गुणा dx भी है, तो आप इसको तुरंत एक बार में 2 dt लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर तो कुछ भी नहीं है तो आप इसे 1 भी बोल सकते हैं। तो यहां से इसका अवकलन आप समाकलन आप जानते हैं, ये आपके पास t आ जाएगा, तो कांस्टेंट भी आप लिखेंगे ही। तो यहां से अब देखिए t का मान आप लगाएंगे चेंज करने के लिए x के पदों में, तो t का मान आपने रूट tan x लिया है तो रूट tan x प्लस कांस्टेंट कर देंगे। तो आपने देखा प्रश्न संख्या 34 का आंसर 2 अंडर रूट tan x प्लस कांस्टेंट आई अपने पास मेथड 2 से, और आप देख सकते हैं कि मेथड 1 से भी अपने पास 2 अंडर रूट tan x प्लस कांस्टेंट ही आया था। तो इस तरीके से आप कोई सा भी इसमें मेथड लगा सकते हैं, चाहे आप tan x को t माने चाहे अंडर रूट tan x को, दोनों केसेस में ये वाला सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 35 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपको दिया हुआ है 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बटे x। तो देखिए आपने सबसे पहले मानक रूप में लिखा तो समाकलन का चिन्ह 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर बटे x dx। अब यहां से आप देखिए अगर आप 1 प्लस लॉग x को t मान लें तो यहां से आपके पास बनेगा 1 बटे x dx बराबर dt। तो 1 बटे x dx को आप dt तुरंत लिख सकते हैं। तो देखिए dx बटे x तो आपको तुरंत यहां दिखाई दिया तो आप इसको यहां पर dt लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा t का होल स्क्वायर dt, तो ये t की घात 3 बटे 3 प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। अब आपको तो t को चेंज करना पड़ेगा, तो जब आप t को चेंज करेंगे तो t की जगह आप 1 प्लस लॉग x लिख देंगे,
तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स की घात 3 बटे 3 प्लस कांस्टेंट। तो आपने इस तरीके से देख लिया, यहां से भी आपका ये सवाल हल हो गया। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 36 पर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास दिया हुआ है x प्लस 1 कोष्टक में, एक दूसरे कोष्टक में आपको गुणा में दिया गया है x प्लस log x का होल स्क्वायर और हर में आपको दिया हुआ है x। तो देखिए आप इसे लिखेंगे x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर बटे x और यहां पर आपने dx लिख दिया। अब यहां से आप देखिए कि ये जो आपके पास हर में x है, आप उसको इस वाले पद में ले जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं x प्लस 1 बटे x, x प्लस log x का होल स्क्वायर, समाकलन का चिन्ह और dx भी साथ में चल ही रहा है। अब यहां से देखिए अगर आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा आपके पास x बटे x प्लस 1 बटे x, x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। और देखिए x बटे x तो आप जानते हैं कि 1 आएगा, तो आपके पास आ गया 1 प्लस 1 बटे x, x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। अब आप ध्यान रखिए कि यदि आप यहां पर एक x प्लस log x को t मान लेंगे, तो देखिए आपने x प्लस log x को t मान लिया जो कि ये वाला पद था, तो आप करेंगे तो 1 प्लस 1 बटे x dx बराबर dt आ जाएगा, क्योंकि आपको समाकलन करना पड़ता था स्वयं के सापेक्ष। तो देखिए 1 प्लस 1 बटे x और dx, इसको आप तुरंत dt लिख देंगे तो आपके पास हो जाएगा dt, और ये जो बीच वाला पद बचा है x प्लस log x का होल स्क्वायर, तो ये देखिए आपके पास t स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा t की घात 2 गुणा dt, इसका आपको समाकलन करना होगा, तो ये आपके पास t की घात 3 बटे 3 प्लस कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब आप t की वैल्यू लगा देंगे जो कि आपने x प्लस log x मानी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x प्लस log x की घात 3 बटे 3 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 36 भी हल कर दिया। तो अब हम प्रश्न संख्या 37 हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि फलन का समाकलन कीजिए और आपके पास दिया हुआ है x की घात 3 साइन 10 इनवर्स x की घात 4 बटे 1 प्लस x की घात 8। तो देखिए सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा समाकलन का चिन्ह x की घात 3 साइन 10 इनवर्स x की घात 4 बटे 1 प्लस x की घात 8 dx। अब यहां से आप देखिए कि यदि आप 10 इनवर्स x की घात 4 को आप t मान लीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 बटे 1 प्लस x की घात 4 का होल स्क्वायर, और आप x की घात 4 का दोबारा अवकलन करेंगे तो 4x क्यूब dx बराबर dt आ जाएगा। तो यहां से आप देखिए x क्यूब बटे 1 प्लस x की घात 4 का यदि आप होल स्क्वायर करेंगे तो x की घात 8 dx बराबर dt बटे 4 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए आपको इसको ध्यान रखना है। अब यहां से आप देखिए x की घात 3 भी आपको मिला अंश में, गुणा dx भी मिल रहा है, और 1 प्लस x की घात 8 आपको हर में भी मिल रहा है, तो आप उसको तुरंत dt बटे 4 लिख सकते हैं। तो 1 बटे 4 तो आप बाहर ले लीजिएगा और dt आप लिख दीजिएगा अंदर, क्योंकि 1 बटे 4 एक अचर राशि है जिसका कोई महत्व तो नहीं है समाकलन करने में, ये तो आपके पास ऐसी की ऐसी ही रहेगी हमेशा। तो अब देखिए आपके पास जो टर्म बचे हैं वो है साइन 10 इनवर्स x की घात 4, और इसको तो आपने यहां पर देख सकते हैं आपने t माना था, तो आपके पास केवल साइन t बचा है। तो अब ये देखिए ये तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आपने सीखा था कि यदि आप साइन x का अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो आपके पास माइनस का cos x आएगा। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा 1 बटे 4 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का cos t प्लस कोई भी कांस्टेंट तो आपने लिख दिया। अब ये देखिए अब चूंकि आपको तो t के टर्म में चाहिए ही नहीं, आपको तो x के टर्म में आंसर चाहिए क्योंकि प्रश्न में तो x ही दिया हुआ है, तो देखिए यहां पर आपके पास हो जाएगा माइनस को आप बाहर रख सकते हैं, तो माइनस 1 बटे 4 cos, और t की जगह अब आप रख सकते हैं 10 इनवर्स x की घात 4 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 37 हल हो जाएगा।
चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 38 पर। इसमें आपको दिया हुआ है कि सही उत्तर का चयन कीजिए और आपको दिया हुआ है समाकलन 10x की घात 9 प्लस 10 की घात x log 10, जिसका आधार आपको e दिया है, बटे x की घात 10 प्लस 10 की घात x और dx। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको फलन दिया हुआ है उसका आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष। और आपको देखिए यहाँ पर चार विकल्प दिए हुए हैं और आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम प्रश्न लिख लेते हैं, 10x की घात 9 प्लस 10 की घात x log 10, इस log का आधार e है, बटे x की घात 10 प्लस 10 की घात x और dx। अब यहाँ से यदि आप गौर करेंगे तो अगर आप x की घात 10 और प्लस 10 की घात x, जो कि हर में था, आपने उसको पूरे को t मान लिया, तो यदि आप अवकलन करेंगे तो आप देखिए x की घात 10 का अवकलन करेंगे तो 10x की घात 9 प्लस, यदि आप 10 की घात x का अवकलन करेंगे तो आपने अवकलन वाले अध्याय में पढ़ा था 10 की घात x log 10 आ जाएगा। तो देखिए dx बराबर दाएं पक्ष में dt आ जाएगा। तो आपको यहाँ से देखिए एक रोचक चीज मिल रही है कि ये पूरी वैल्यू देखिए अंश में लिखी हुई है आपके पास, तो आप इस पूरी वैल्यू को dt लिख सकते हैं, और जो हर में है और उसे तो आपने t माना है तो आप इसको t लिख दीजिएगा। तो अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है समाकलन में, जो कि एक मानक सूत्र था कि यदि आप 1/x का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आपके पास log x का मापांक आ जाएगा। तो देखिए इसी फॉर्मूले का अब हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर तो t दिया है तो आपके पास आ जाएगा log t का मापांक प्लस c। तो देखिए यहाँ पर आपके पास हो जाएगा log, अब आपको t को तो हटाना पड़ेगा, तो आपके पास हो जाएगा x की घात 10 प्लस 10 की घात x प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चूंकि आपको तो सही विकल्प चुनना था इन चारों विकल्पों में से, तो आप देखते हैं विकल्प डी में आपके पास यही लिखा हुआ है जो आपका आंसर आया है, इस तरीके से आपका विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन एक संशय यहां पर यह हो सकता है कि यहां पर हमने तो मापांक लगाया है लेकिन प्रश्न में यहां पर मापांक तो लगा ही नहीं है। तो देखिए यदि आप एक्स को मानेंगे तो वो तो घात है तो आप इसको पॉजिटिव मानेंगे, तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू तो अंदर हमेशा पॉजिटिव ही है, तो आप मापांक को लगाए भी रहने दे सकते हैं और ना लगाएं तब भी आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपके पास आंसर डी ही रहेगा। अब हम इस प्रश्नावली 7.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 39 हल करेंगे। यहां पर आपको दिया हुआ है कि सही उत्तर का चयन कीजिए और आपको दिया हुआ है dx बटे साइन स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स, और दिया हुआ है ये बराबर होगा, यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए हुए हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को लिख लेते हैं, तो ये आपके पास दिया हुआ है dx बटे साइन स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए इसको कैसे हल कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो dx के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, अर्थात आप बोल सकते हैं आपके पास तो एक लिखा हुआ है, एक का गुणा भी तो बोल सकते हैं ना। तो अब आप उस एक को, आपने त्रिकोणमिति में एक सर्वसमिका पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक होता है, तो अब आप एक का मान विपरीत तरीके से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए उसको लिख देते हैं, और आपके पास हर में चल ही रहा है साइन स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप यहां से देखिए, आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स, और आपके पास डीएक्स चल ही रहा है। तो देखिए यहां से आप पाएंगे कि साइन स्क्वायर एक्स अंश में भी है और हर में भी है, तो ये आपने कट कर दिया। इसी तरीके से देखिए कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को भी आपने कट कर दिया, तो आपके पास यहां से बचा है 1/ कॉस स्क्वायर एक्स बचा, तो आप उसको सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, प्लस यहां से आपके देखिए 1/ साइन स्क्वायर एक्स बचा, तो आप उसे कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ये आपके पास dx आ गया। अब देखिए कुछ फॉर्मूले जो आपने मानक फॉर्मूले थे आपने पढ़े थे, तो आपने सीखा था कि यदि सेक स्क्वायर एक्स dx हो और उसका समाकलन करना हो तो वो आपके पास tan x आएगा, और यदि आप कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का समाकलन करेंगे तो आपके पास माइनस का कॉट एक्स आ जाएगा। तो चलिए इन्हीं फॉर्मूलों को अब हम यहाँ पर उपयोग में लाएंगे।
तो देखिए sec स्क्वायर एक्स का समाकलन आपके पास टेन एक्स आ जाएगा, और cosec स्क्वायर एक्स का समाकलन आपके पास माइनस का cot x आ जाएगा। और जब चूंकि आपने समाकलन कर दिया है तो अब आप प्लस c लगा देंगे, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब चूंकि आपको तो सही विकल्प चुनना था, तो आप देखिए आपके पास जो विकल्प है वो b विकल्प बिल्कुल वही आ रहा है जो हमने सॉल्व किया है, अतः b आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को अब हम एक दूसरे मेथड से और करेंगे, तो चलिए उसको भी सीख लेते हैं, मेथड टू। आपके पास प्रश्न दिया हुआ था डी एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां से आप देखिए, यदि आप कॉस स्क्वायर एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात अंश में भी कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई कर दें और हर में भी कर दें, तो आप उसे लिख सकते हैं डी एक्स बटे, यहां से देखिए साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और इसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास हो गया। तो अभी आप यहां से देखिए, आपके पास हो जाएगा डी एक्स बटे, इसको आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन एक्स बटे कॉस एक्स तो आपके पास टेन एक्स होता है, तो आपने टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया। और ये देखिए, ये तो कॉस स्क्वायर एक्स गुणा कॉस स्क्वायर एक्स है, इसे आप लिख सकते हैं कॉस एक्स की घात चार, और जब ये अंश में जाएगा तो आप इसे sec x की घात 4 लिख सकते हैं, तो आपने उसे भी लिख दिया। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि dx को सबसे एंड में हम यहाँ लिख देते हैं, sec की घात 4x जो है उसे आप sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x लिख दीजिएगा बटे tan स्क्वायर x आप लिख देती है। अब देखिए, एक sec स्क्वायर x को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, एक sec स्क्वायर x को आपने त्रिकोणमिति में एक सर्वसमिका पढ़ी थी कि sec स्क्वायर एक्स बराबर एक प्लस टेन स्क्वायर एक्स होगा, तो चलिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए, एक sec स्क्वायर एक्स को तो हमने ऐसे ही रहने दिया, और इसको हमने एक प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया बटे टेन स्क्वायर एक्स आपके पास चल ही रहा है, और यहाँ से आपके पास डी एक्स आ गया। अब आप यहाँ से देखिए कि यदि आप इस प्रश्न में टेन एक्स को टी मान लें, तो देखिए आपके पास हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो आप sec स्क्वायर एक्स डी एक्स जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ वहाँ आप डी टी रख दीजिएगा। तो देखिए, आपको sec स्क्वायर एक्स भी दिखा और गुणा में देखिए डी एक्स भी दिखाई दे रहा है अंश में, तो आप डी टी रख देंगे उसकी जगह, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आपके पास हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटे टी स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप देखिए, आप इसको लिख सकते हैं 1 बटे टी स्क्वायर प्लस 1 dt। जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए, आप इसका समाकलन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा t की घात माइनस दो प्लस एक बटे माइनस दो प्लस एक प्लस t प्लस कोई भी कांस्टेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपने समाकलन कर रखा है। अब चूंकि आपके पास t तो लेना नहीं था, आपको तो x में निकालना था, तो देखिए आपने t माना है tan x को, तो अभी आपके पास हो जाएगा माइनस एक बटे टी प्लस कॉन्स्टेंट, और अब आप t का मान रख देंगे, तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा माइनस एक बटे टेन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो आप इसको हल करके पा सकते हैं, एक बटे टेन एक्स आपके पास माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा प्लस टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो आप देख सकते हैं आपके पास माइनस कॉट एक्स प्लस टेन एक्स आया, और आप देखिए हमने जो इसमें किया था माइनस कॉट एक्स प्लस टेन एक्स ही आ रहा था, अतः आपके पास आंसर बी जो होगा अर्थात विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा।